नमस्कार, इंदु आइडियल तड़का रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिमला मिर्च और आलू की बहुत ही साधारण सी चटपटी रेसिपी जो झटपट से बन जाएगी। तो आप इसे बना करके एक बार ज़रूर ट्राई करें। देखिए, इसके लिए मैं एक कढ़ाई गर्म की हूँ, उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाली हूँ। आप सरसों तेल में इस सब्जी को बना के एक बार देखें। बस 1 टीस्पून मैं जीरा डाली हूँ और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे सरसों डालूँगी, काला सरसों। तो बस ये दोनों जब थोड़ा भून जाए तो उसके बाद मैं यहाँ सब्जी काट के रखी हूँ, आप काट सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ 2 हरी मिर्ची, 2 प्याज और 4-5 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक। और ये आलू और शिमला मिर्च मैं अच्छे से धो के काट ली हूँ। अपना हिसाब से आप छोटा बड़ा साइज काट सकते हैं। ये बिना पानी के पक्के तैयार होगा, ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छा टेस्टी बनेगा, चटपटा बनेगा। तो बस जीरा और सरसों अच्छे से भुना है, फिर मैं उसमें डाल दी हूँ लहसुन और अदरक का कटा हुआ टुकड़ा जो था। और बस 1 मिनट मैं इसे भूनूंगी। 1 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्ची। हरी मिर्ची तीखा नहीं है इसलिए मैंने 3-4 लिए हैं यहाँ पे, जो रफली काट के रखे थे। तो बस अब इसको भूनने के बाद मैं इसमें प्याज भी डाल दूंगी। 2 प्याज मैं पतले स्लाइस में काट के रखी हूँ, इससे भी सब्जी का टेस्ट अच्छा बनेगा। तो बस यहीं पे मैं अब इसमें थोड़ा सा हींग डालूंगी, 2 पिंच हींग इसमें आप ज़रूर डालें। एक बार इस मेरे तरीके से आप ये सब्जी बनाकर खा के ज़रूर देखें, इसका टेस्ट बहुत ही शिमला मिर्ची हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए हमें शिमला मिर्च खाना चाहिए। इसमें बहुत सारे पौष्टिक गुण हैं जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो बस ये भुनेगा, तब तक इधर मैं देखिए टमाटर, 2-3 टमाटर ली हूँ अच्छा पका, उसे भी काट के रखी हूँ। अब मैं प्याज भुन गया है, इसमें शिमला मिर्च मैं डाल दी हूँ। पहले शिमला मिर्च डाल के मैं 2-3 मिनट इसे भुनी हूँ, तब तक मैं ये टमाटर और धनिया काट के रखूँगी अच्छे से, इसे बाद में डालेंगे। बस ये शिमला मिर्च 2-3 मिनट भून गया है, उसके बाद ही मैं दी हूँ आलू डाल के। 2-3 मिनट चलाने के बाद मैं इसे ढक के करीब 5 मिनट तक छोड़ दूंगी, ऐसे मीडियम गैस पे ये भूनेगा। बीच बीच में आप चलाते हुए इसे भूनते रहे, ढक ढक के इसे में 2-3 बार, तो ये अच्छा सा फ्राई हो जाता है, हल्का दिखेगा, इसका कलर बहुत ही अच्छा आने लगेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भून गया है। तब तक मैं उधर चावल भी बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। बस अब इसी टाइम ये टमाटर मैं इसमें डाल दूंगी, जो अच्छे से रफली चॉप कर रखा था मैंने, इसी टमाटर के ऊपर ही मैं इसमें कुछ बेसिक मसाले डालूंगी जो आप डेली यूज करते हैं। बस 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, ये पाउडर डाली हूँ जो तीखा नहीं है इतना। और बस घर में बना 1 चम्मच गरम मसाला, और इसी टाइम नमक डाल दीजिए आप अपने स्वाद के हिसाब से। अब बस इसे अच्छे से चला के ढक के मीडियम गैस पे रखें, ये बहुत ही अच्छा पक के तैयार हो जाएगा। अब एक बार चेक करें इसे, देखिए यहाँ पे अभी थोड़ा सा ये लग रहा है जैसे कि इसका जो आलू है थोड़ा और पकेगा। तो मैं एक बार और इसे ढकूंगी और फिर ये अच्छे से गल जाएगा, पक जाएगा। तो इसी टाइम देखिए आप, ये मैं एक बार ढक दी, दोबारा 2 मिनट बाद मैं इसे चेक कर लूँगी। तो ये इस टाइम ये पक गया है, बिल्कुल ही झटपट से बनने वाली सब्जी है ये, और टेस्टी बहुत ही है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए यहाँ ये बन के तैयार हो गया। इसी टाइम मैं इसमें धनिया डाल के अच्छे से मिक्स कर दूंगी। धनिया आप ऊपर से भी डाल सकते हैं, ऐसे आप खाते हैं तो मैं तो इसमें डाल के अच्छे से मिक्स दूंगी ताकि इसका फ्लेवर इसमें अच्छे से चला जाए, तो और भी स्वाद आ जाए सब्जी में। बस देखिए यहाँ पे है ना कितना टेस्टी सब्जी। तो बस देखिए ये बन गया है, अब मेरा ये लंच है, तो देखिए मेरी थाली तैयार होने वाली है। तो इसके लिए मैं दाल, अरहर की दाल बना के रखी हूँ। अरहर की दाल में मैं हींग डाल के हमेशा बनाती हूँ, जो बहुत ही हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। तो हींग डाल के मैं उबाल के दाल को रखी हूँ। अब मैं इसमें बस तड़का लगाऊंगी। तड़का आप इस तरीके से एक बार लगाएं, धनिया डाल के, धनिया का जो हरा धनिया का जो पत्ता है उसे आप अच्छे से महीन काट लें। और उसके बाद ये देखिए घी गरम हो गया है कलछी में, मैं इसमें डाल दूंगी 1 स्पून जीरा। जीरा अच्छे से इसमें भुन जाएगा थोड़ा,
आपको पता लग जाएगा ये भुन गया है। उसके बाद ही मैं इस कलछी में ही ये धनिया को डालूंगी, 1 सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए ही डालूंगी, बस इसमें डालूंगी। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, एक बार आप इस तरीके से बना के देखें। तो बस ये कलछी में धनिया डालूंगी, उसके बाद ही मैं दाल में छोड़ दूंगी इसे। और इस दाल को आप खाएंगे तो इसमें धनिया का फ्लेवर और हींग और जीरा तो है ही इसमें, और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये। तो बस ये मेरा दाल तैयार है, अब मैं आपको थाली लगा के सर्व करके दिखाती हूँ, देखिए है ना टेस्टी। तो बस ये है आज का हमारा सिंपल लंच, और स्वादिष्ट सब्जी और पुदीने और टमाटर की चटनी के साथ इसे मैं सर्व की हूँ। इंजॉय कीजिए। यदि हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा है। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।